स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महासागरी धाराओं के बारे में पढ़ाएंगे। महासागरी धाराएं, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महासागरी धाराओं में अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अटलांटिक महासागर कहां पे है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये पहले देखो मैप में जो बना है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। तो अगर मैप में देखें तो ये जो है ये क्या होगा, यूरोप होगा, यूरोप इधर एशिया होगा। तो अगर आप ये देखें कि ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये नॉर्वे है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये नॉर्वे है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ठीक। तो ये जो पोर्शन होता है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर दो भागों में विभाजित हो जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसको कहते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। जो इसके औसत गहराई 3376 है, ये होता है दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक। तो सबसे पहले जो महासागरी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो चलते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं की तरफ। तो एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट है। जब मैं पूर्वी कहूंगा मतलब ये कहूंगा, ये जो होगा नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी तट होगा। क्या होगा, पश्चिमी तट होगा। ऐसे ही इसका ये पूर्वी तट होगा, ये पश्चिमी तट होगा, इसका ये पश्चिमी तट होगा और इसका ये पश्चिमी तट होगा। जब मैं पश्चिमी तट बोलूंगा तो इधर होगा, पूर्वी तट बोलूंगा तो उधर होगा। इसका पूर्वी तट इधर और इसका भी इधर, बाकी पश्चिमी तट इधर। अब आगे चलते हैं धाराओं की तरफ, थोड़ा सा इसको मिटा दें। सबसे पहली जो धारा उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न की कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे धारा क्यों उत्पन्न होती है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, धारा कोई भी धारा महासागर में क्यों उत्पन्न होगी। पहला, पृथ्वी का परिभ्रमण, परिभ्रमण, पृथ्वी परिभ्रमण करती है उसके कारण, पृथ्वी परिक्रमण करती है उसके कारण, ताप हो गया, दाब हो गया, या धाराओं के घुमाव के कारण। कहीं भी धाराएं अगर महासागर की घूम रही है तो इसके कारण उत्पन्न होती है। तो उत्तर अटलांटिक महासागर की सबसे पहली जो धारा उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होती है 0 से 10 डिग्री के पास। आप देख रहे हैं यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे कहीं पे 10 डिग्री होगा, कहीं पे 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। ये नॉर्थ में होगा, ऐसे ही साउथ में होगा। तो नॉर्थ में 0 से 10 डिग्री के पास, मान लो 10 डिग्री यहां पे है, 0 से 10 डिग्री के पास किसके, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो धारा उत्पन्न होती है, यहां पे एक धारा उत्पन्न होती है जो कि ऐसे चलेगी, जो धारा उत्पन्न होती है इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत प्रवाह, उत्तरी विषुवत प्रवाह। ये एक गर्म जल धारा है। अभी एक चीज बता देते हैं, इसको कनारी धारा ऊपर से धकेलती है, कनारी, लेकिन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बाद में, ठीक है। उत्तरी विषुवत प्रवाह जो कि एक गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है, यहां पर उत्पन्न होती कहां से, 0 से 10 डिग्री के पास अफ्रीका के पश्चिम तट पर। जैसे ही ये धारा कहां पहुंचती है, 10 से 15 डिग्री के पास पहुंचती है। एक तो पहले आप जानते हैं कि मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है अटलांटिक महासागर में उसके कारण, और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जो दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्वी तट के कारण ये धारा यहीं से उत्तर की तरफ मुड़ने लगती है। किस तरफ मुड़ने लगती है, उत्तर की तरफ। लेकिन यहीं पे 15 डिग्री पर, यहां पे 10 डिग्री पर उत्पन्न हुई, यहां 15 डिग्री पर, ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा कैरोबियन सागर में जाकर प्रवेश हो जाती है, उसको कैरोबियन धारा के नाम से जानते हैं। कौन सा है ये, कैरोबियन धारा। ये भी एक गर्म जल धारा है। और सबसे पहले क्या बताया कि 10 डिग्री पर उत्तर विश्व उत्पन्न हो रही है, गर्म है, ये 15 डिग्री पर दो भागों में बट रही है, 15 डिग्री पर दो भागों में बट रही, जहां से एक धारा कैरोबियन सागर में चलेगी, दूसरी उत्तर की तरफ चली जाती है, जिसको कहते हैं एंटलीज की धारा। क्या कहते हैं, एंटलीज, जो दूसरी जा, एक कैरोबियन सागर में गई, जो दूसरी जा रही है उसको एंटलीज धारा बोलते हैं। ये भी एक गर्म जल धारा है, ये उत्तर की तरफ मोड़ रही है। किस तरफ मोड़ रही है, उत्तर की तरफ। अब देखिए एक चीज आप देख रहे हैं कि यहां से फ्लोरिडा, ये आपको मालूम है कि ये फ्लोरिडा है, यहां पे एक फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है, यहां पे एक फ्लोरिडा जल डमरू मध्य के पास एक
जो धारा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं फ्लोरिडा धारा। लेकिन एक चीज यहां सोचने की बात है, ये खाड़ी की धारा है, यहां पे मैक्सिको खाड़ी है इसलिए इसको खाड़ी की धारा बोलते हैं। तो यहां फ्लोरिडा के पास जो धारा उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा भी एक गर्म जल धारा है। तो फ्लोरिडा की धारा आगे बढ़ती है हेट्रा संतरी तक और यहां पे आके एंटलीस से मिल जाती है। मतलब फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से चली हेट्रा संतरी तक। कौन सी? फ्लोरिडा की गर्म जल धारा। फ्लोरिडा की गर्म जल धारा कहां पे मिली? किससे? हेट्रा संतरी पर एंटलीस से मिली। जब एंटलीस से मिल जाती है, दोनों गर्म है, तब इसको गल्फ ऑफ स्टीम के नाम से जानते हैं। इस धारा को गल्फ स्ट्रीम सीधे लिख लेते हैं, गल्फ ऑफ की जरूरत नहीं, गल्फ स्ट्रीम। ठीक। अब गल्फ स्ट्रीम जो चलती है वो हेट्रा संतरी जब लगभग ये 30 डिग्री पर मिलती हैं एंटलीस से। एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तर विषुवत प्रवाह 10 डिग्री पर उत्पन्न हुआ, 10 डिग्री से मतलब कनारी धारा इसको धकेल रही है, आगे बढ़ती है, साउथ अमेरिका का पूर्वी तट पड़ता है, इस कारण इसको मुड़ना पड़ता है, उत्तर की तरफ मुड़ती है। लेकिन एक शाखा दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक शाखा कैरोबियन सागर में चली जाती है, एक शाखा कैरोबियन सागर में गई, दूसरी उत्तर की तरफ मुड़ गई, उसको एंटलीस की गर्म जल धारा बोले। अब खाड़ी की धारा भी उत्पन्न होती है जो अमेरिका के दक्षिणी तट पर उत्पन्न होती है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तट पर। यहां पे फ्लोरिडा जल संधि के पास एक धारा उत्पन्न होती है, इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं, गर्म जल धारा है। ये आगे बढ़ती है 30 डिग्री पर, हेट्रा संतरी होता है, हेट्रा संतरी के पास क्या होता है, ये किससे मिलती है? एंटलीस से मिलती है। एंटलीस से मिली तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाई। कौन सी कहलाई? गल्फ स्ट्रीम। अब हेट्रास से 30 डिग्री पर है, यहां से लेकर 40 डिग्री तक जो बहती है उसको गल्फ ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। अब एक धारा और आती है, अब यहां पे देखिएगा, ये जो ग्रीन लैंड है इसके पश्चिम से, ग्रीन लैंड के पश्चिम में अगर आप देखें तो बैफिन की खाड़ी होती है, यहां पे बैफिन की खाड़ी है। तो बैफिन की खाड़ी से होती हुई धारा आती है 40 डिग्री पर, गल्फ ऑफ स्ट्रीम से मिल जाती है, इसको कहते हैं लैब्राडोर। क्योंकि ग्रीन लैंड ठंडा है, आप देखे होंगे मैप में सफेद कलर का है, ठंडा है, इसलिए ये जलधारा क्या है? ठंडी है। ये कहां से आती है? बैफिन की खाड़ी से ये आगे बढ़ती हुई अटलांटिक महासागर में आकर 40 डिग्री पर किससे मिलती? गल्फ ऑफ स्ट्रीम से। अब गल्फ ऑफ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिली तो यहां पे घरा कोरा होता है, जिसको ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं। मतलब यहां पे ग्रैंड बैंक है, जहां पे मछली मारने मछली के लिए मछली पैदावार के लिए अच्छा कंडीशन है। तो यहां पे ग्रैंड बैंक होता है। मतलब कुल मिलाकर गल्फ स्ट्रीम कहां से कहां तक चली? गल्फ स्ट्रीम अगर हम देखें, ये गल्फ स्ट्रीम जो है तो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक चली, मतलब हेट्रास से लेकर ग्रैंड बैंक तक चली। अब ग्रैंड बैंक तक चली, अब यहां से जो आगे बढ़ती है उत्तर पूर्व की तरफ, यही गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर मिलकर, मतलब अब ठंडी और गर्म जल धारा मिली तो ये आगे बढ़ी। जब ये आगे बढ़ी तो यहां पर घना कोहरा हुआ, लेकिन अब ये आगे बढ़ जाती है 45 डिग्री तक। मान लो यहां पे कहीं 45 डिग्री होगा, तो ये जो यहां पे आगे बढ़ रही है इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह। उत्तर अटलांटिक प्रवाह इसको बोलते हैं 45 डिग्री तक। अब ये जब 45 डिग्री तक उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म है, गर्म धारा है, ये भी एक गर्म है। अब ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह तीन भागों में यहीं से डिवाइड हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही देखने की जरूरत, तीन भागों में डिवाइड होता है। ये ग्रीन लैंड है, ये आइस लैंड है, मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, ये आइस लैंड है। आइस लैंड की एक शाखा जो होती है यहां से तीन भागों में डिवाइड होने के बाद आइस लैंड के इधर चली जाती है, आइस लैंड के नीचे से होती हुई निकल जाती है, जिसको जिस धारा का नाम है इर्मिंगर। ये भी एक गर्म जल धारा है, ये आइस लैंड के नीचे से दक्षिणी साइड से होती हुई निकल जाती है। एक और शाखा उत्पन्न होती है जो नॉर्वे के तट के पास चली जाती है, जिसको नॉर्वे की धारा बोलते हैं। ये भी एक गर्म जल धारा है। ठीक। ये नॉर्वे के तट से गई, इर्मिंगर कहां से गई? आइसलैंड के नीचे से। यही क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्वे की धारा तो नॉर्वे का पता है, लेकिन इर्मिंगर जो कहां से निकलती है? आइसलैंड के दक्षिण से। अगली जो जल धारा उत्पन्न होती है वो थोड़ा आगे बढ़ती है इधर साइड में, जिसको कहते हैं क्या? कनारी की धारा, जिसको हमने कहा था कनारी की धारा ढकेलती है, कनारी की धारा। ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक। कनारी की धारा कैसी है? ठंडी की जलधारा। अच्छा, ये एक और धारा यहां पे उत्पन्न होती है इसी के पास से, जो मुड़ के यहां से सीधे लैब्राडोर से होते हुए चली जाती है। ठीक। और एक जलधारा और उत्पन्न होती है जो यहां से होते हुए फ्रांस तक पे चली जाती है, जिसको रेनेल की धारा कहते हैं।
रेनल की धारा, रेनल की धारा कहीं कहीं गर्म लिखा हुआ, कहीं कहीं ठंडी लिखा हुआ, मेरे हिसाब से लेकिन ये गर्म जल धारा है रेनल। अब एक बार देखते हैं ये पूरा उत्तर अटलांटिक की सारी धाराएं हो गई हैं, एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी एक व्यू में। सबसे पहले मैंने बताया कौन सा उत्तर विषुवत प्रवाह, जो कि एक गर्म प्रवाह है। उत्तर विषुवत प्रवाह 0 से 10 डिग्री के बीच कहीं उत्पन्न होता है, ठीक है, 0 से 10 डिग्री पर उत्पन्न हुआ, 15 डिग्री पर पहुंचा, 15 डिग्री पर दो भागों में बटा, एक भाग कैरोबियन सागर में गया, दूसरा एंटलीज की तरफ चल, एंटलीज धारा बन गई। एक और धारा यहाँ पे खाड़ी की धारा उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा गर्म जल धारा है जो 30 डिग्री पर जाकर इससे एंटलीज से मिलती है, एंटलीज और फ्लोरिडा मिल गई जब हेटरा संतरी के पास, जैसे मिली तब गल्फ स्ट्रीम कहलाई, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा ग्रैंड बैंक तक, वहां पे लैब्राडोर की ठंडी जलधारा ग्रीनलैंड के पश्चिम से आकर मिल जाती है, तो यहाँ पे घना कोहरा उत्पन्न होगा। उसके बाद 40 डिग्री पर जब मिलती है तो 45 डिग्री तक एक प्रवाह होता है मिलकर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का, तो इसको कहते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह। उत्तर अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ा, तीन भागों में, चार भागों में डिवाइड होगा। पहला भाग कहां गया, आइसलैंड के दाहिने तरफ से निकलते हुए नीचे निकलते हुए चला गया, उसको इर्मिंगर की गर्म जलधारा बोल दिए। उसके बाद एक चला गया नॉर्वे की तरफ जिसको नॉर्वे की गर्म जलधारा बोलते हैं, एक चला गया फ्रांस और स्पेन तट के पास, वैसे ये गलत बन गया थोड़ा सा, फ्रांस और स्पेन तट के पास जाना है, ये फ्रांस है ये स्पेन है, मैप में आप देख लीजिएगा, ये फ्रांस ये स्पेन, इसके बीचों बीच जाती है, उसको रेनेल की धारा बोलते हैं, ये गर्म जलधारा है। आगे फिर जो निकल रही है वो मनाली की ठंडी धारा है, फिर से ये उत्तर विषुवत को धकेलने लगती है, ये क्या हो गया उत्तर अटलांटिक प्रवाह। उसके बाद अब दक्षिण अटलांटिक की बात करेंगे, तो दक्षिण अटलांटिक में पहला जो 0 से 20 डिग्री अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक दक्षिणी विषुवत प्रवाह, दक्षिणी विषुवत प्रवाह ये 0 से 20 डिग्री के पास उत्पन्न होती है, मान लो 20 होगा यहाँ पे 0 होगा तो 0 से 20 डिग्री के पास उत्पन्न होगी, वही कंडीशन होगा जो उत्तर विषुवत का कंडीशन होगी। आगे इसमें अब आगे ये धारा बढ़ती है, एक धारा चली जाती है इधर गिनी के तट के पास, गिनी के तट के पास पापुआ न्यू गिनी के पास चली जाती है, और एक आगे बढ़ जाती है, आप जानते हैं कि ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है, ये ब्राजील है, जो ब्राजील के तट के सहारे चली जाती है उसको ब्राजील की धारा बोलते हैं। ये एक गर्म जल धारा है उत्तर दक्षिण विषुवत प्रवाह, और ब्राजील की धारा भी एक गर्म जल प्रवाह है। अब ये आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे एक चीज होता है क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के कुछ पछुआ पौने ठंडी चलती है, पछुआ पौने चल रही है, तो यहां से अंटार्कटिका से एक निकलती है जिसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड जो एक बहुत ही ठंडी जलधारा ठंडी धारा है जाके ब्राजील की धारा से मिलती है, और फिर ब्राजील की धारा ये पछुआ पवनों के कारण पूरब की तरफ मुड़ जाती है, जब पूरब की तरफ मुड़ जाती है तब इसको कहते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। अब ये दक्षिण अटलांटिक प्रवाह पछुआ पवन है, आगे बढ़ा फिर इसके पास ये अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका के कारण ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जब उत्तर की ओर मुड़ जाती है तब इसको कहते हैं बेंगुला धारा, बेंगुला धारा। अब बेंगुला धारा फिर से दक्षिण विश्व को प्रवाहित करने लगती है, फिर से धक्का देने लगती है, तो उत्तर विश्व रेखा बना, फिर उत्तर विश्व रेखा के दो भाग हुए, एक पापुआ न्यू गिनी की तरफ चला गया, दूसरा ब्राजील के पास, जो ब्राजील के पास आ गया उसको क्या कहें, पापुआ न्यू गिनी न्यू गिनी की तरफ जाता है, न्यू गिनी, ठीक। और दूसरा क्या हुआ, ब्राजील जलधारा बन गई, फिर ये आगे बढ़ा तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह हो गया, फिर बेंगुला, इस तरह उत्तर अटलांटिक प्रवाह की सारी धाराएं हो गई। धन्यवाद।